हमारे दादाजी बोलते थे दाता दे दाता दे, दाता है नहीं भगवान जी, दाता हर नवे महीने एक बच्चा दे देते थे। तो हम ऐसे करके हम चार पिताजी के भाइयों में 10-15 इकट्ठे हो गए। भैया जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया तो नोकिया वाली पोजीशन होती है। कम से कम 200 से ज्यादा शोरूम में ऑल इंडिया में मैंने मेरे आदमी भेज के सेटअप लगवाया पूरा। ये कोई नहीं करता सर। आज की डेट में सर 65,000 व्यापारी है जो अजीत जोन से जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। 32 कंट्री में माल सप्लाई कर रहे हैं। ये सब चीजें करने के बाद गुजरात में हमें आइकॉन का अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर एक दूध बेचने वाला आदमी इस टाइप का प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है, मैं तो मेरे जीवन से दूध से आगे सोचा ही नहीं था। अगर मैं ब्रांड बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। और आज हम पहुंच चुके हैं सूरत के सबसे बड़े ब्रांड अजीत जोन में, और हमारे साथ मौजूद है अजीत जोन के CEO अजीत राज पुरोहित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। अजीत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सूरत के अंदर आपने अजीत जोन को इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना दिया। सूरत में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमें मकसद मिलता है कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जब आपकी भावना ऐसी होती है ना, जैसे आपने अभी गली मोहल्ले वाली बात की, जब आपकी भावना क्लियर होती है कि हम लोगों के लिए कितनी बेटर चीजें कर सकती है, तब ऑटोमेटिक बड़ा बन जाता है। और मेरे पिताजी मुझे आज भी बोलते हैं कि बेटा, इस दुनिया में जब तक आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो ये उसूल है जीवन का दोस्तों। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, जब तक आप बोलते हैं ना, माँ भी रोने से पहले दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक आप किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचो, और जिस दिन आपने दूसरे के बारे में सोचना चालू कर दिया, आप ऑटोमेटिक ब्रांड बन जाओगे सर। तो कपड़ा व्यापार की शुरुआत आपने की थी? हाँ, या इससे पहले परिवार भी आपका कपड़ा? नहीं, मैं अकेला। और मैं आपको मिश्रा जी बता देता हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी चोटी रखता हूँ जैसे आप मिश्रा जी हो। दोस्तों, मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया। कई लोग ऐसा बोलते हैं मैंने कभी बिजनेस किया नहीं, मैं कैसे करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मेरे 7 पुश्तों में किसी ने व्यापार बिजनेस नहीं किया। हम वो ब्राह्मण आदमी थे जो हर साल, हमारे दादाजी बोलते थे दाता दे दाता दे, दाता है नहीं भगवान जी, दाता हर नवे महीने एक बच्चा दे देते थे। तो हम ऐसे करके हम चार पिताजी के भाइयों में 10-15 इकट्ठे हो गए, समझ गए। तो हमारे खानदान में तो मांग के खाने वाला काम था, ब्राह्मण आदमी है, दाता हुजूर के पास बैठते थे, वहीं करते थे। लेकिन मैं दोस्तों एक बात मानता हूं कि आप अगर आपके सपने हो, लोगों के लिए काम करना हो, तो चीजें हो जाती है। तो मैं सन 2002 में सूरत आया था। आज मुझे 21 सालों का अनुभव है इस कपड़े का, 18 सालों से ये ब्रांड चला रहे हैं हम। तो मैं एक चीज मानता हूं, जब ये चीजें आप करने लगते हो तो ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोचिए मत। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हो, ऐसा मानता हूं जी। जी, तो सर मैंने अभी देखा है कि अजीत जोन में काफी भीड़ लगी हुई है जी। तो अजीत जोन से या कोई भी कपड़ा व्यापार करे तो अजीत जोन के साथ जुड़कर ही क्यों करे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी। सबसे बड़ी चीज है, जितने भी लोग हैं बिजनेस में, मुझे मेरे पिताजी की आज भी बातें हैं, वो आज भी मेरे पास बैठते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। बकायदा मैं जीरो से खड़ा हुआ हूँ। मैं गांव से 350 रुपए लेके आया था सूरत, और 2 जोड़ी कपड़े लेके आया था। और आज ईश्वर की दया से सब कुछ है। उसका एक ही कारण है, नेकी, ईमानदारी। ये बोलने की चीजें नहीं होती है दोस्तों, ये अपने अंतरात्मा में आपको मानना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में भी हो ना, यहां से आप ईमानदारी से काम करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक होगी। अब मैं बोलूं मेरे साथ इतने व्यापार क्यों जुड़ा दोस्तों, अजीत जोन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीजें आपको बताएगा कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे व्यापारी का इस टाइप से सपोर्ट करना, उसका ऑनलाइन बिजनेस कैसे खड़ा हुआ। जैसे मैं आज सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में वुमेन्स की 12 आइटम मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और 16-17 लाख लोग जुड़े हुए हैं आज हमारे चैनल पे जो अजीत जोन नाम से है। वहां पर आके हमारे बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं आप। तो जितने भी लोग हैं जो हमारे से व्यापार में नए जुड़ते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं, हम उन्हें रेट देते हैं, हम उन्हें फैशन का ट्रेंड देते हैं, और प्लस हमारी टीम पूरी गाइड करती है। मैंने कम से कम 200 से ज्यादा शोरूम में ऑल इंडिया में मैंने मेरे आदमी भेज के सेटअप लगवाया पूरा। ये कोई नहीं करता सर जी। व्यापार में ग्राहक से कैसे बात करनी है वो तरीका भी सिखाते हैं, बिजनेस में किस टाइप से आगे बढ़ना है वो तरीका भी देते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप जाइए मिश्रा जी, आपने 200 रुपए का सामान लिया, 200 रुपए का आपको सामान दे दिया, बात खत्म हो गई। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस ऐसे ही चलता है। अजीत जोन प्लेटफॉर्म है, 200 का सामान लेने के बाद, यानी आपने 2 लाख का कपड़ा लिया है, 1 लाख का कपड़ा लिया है, और कपड़ा देने के बाद ये सारी चीजें फ्री ऑफ चार्ज देता है। अच्छा, मैंने आपके कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया जी, फेसबुक हो गया जी, इंस्टाग्राम हो गया जी, इस पर देखा मैंने कि 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आपके जी 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 जी। इतने फॉलोअर्स आपसे कैसे जुड़े हुए? सर वही है, जब तक आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। दोस्तों, बिजनेस अलग रूट है,
हर कॉन्सेप्ट अलग रूट है, लेकिन मैं एक मानता हूं कि हम लोगों की इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मदद कितनी कर सकते हैं, लोगों की हेल्पफुल कितनी कर सकते हैं। आज मुझे सोशल मीडिया पे आने का कारण था मिश्रा जी, हमारा ही माल वाया वाया जाके बिकता था जी। यानी कहने का मतलब मैं अगर यहाँ से 400 रुपए की साड़ी बेच रहा हूं तो वो जाके 900 रुपए में आगे बिक रही है, 900 के बाद जो रिटेल में 1500 रुपए में बिक रही है, डायरेक्ट हमारे पास कैसे जुड़ जाए मैन्युफैक्चरर से, इसीलिए सोशल मीडिया पे। तो इस वजह से कहने का मतलब है लाखों लोग जुड़े, बकायदा सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंपनी है, लेकिन इतना प्यार इतना फॉलोअप मुझे नहीं लगता इस इंडस्ट्री में, आप भी खूब समय से हो कोई देखा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और लोगों के बिजनेस खड़े कर रहे हैं। आज की डेट में सर 65,000 व्यापारी है जो अजीत जोन से जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, 32 कंट्री में माल सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे आप मिश्रा जी देखोगे तो हर वो आइटम है, प्रोडक्ट है जो महिला पहनती है जी। जी तो अजीत जी ये बताइए जी कि गुजरात के अंदर कपड़ा व्यापार में आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी सर, फ्यूचर प्लान है कि आज मैं प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर 450 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, और प्लस हमारी कंपनी से जुड़ के जो अपना परिवार चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो तो कोई गिनती नहीं है सर। मेरा फ्यूचर प्लान है कि इस कंपनी में मैं 5,000 लोगों को रोजगार कैसे दे सकूं। अगर मैंने यहाँ 5,000 लोगों का प्लेटफॉर्म किया तो ये ऑल इंडिया करीब करीब 5,00,000 लोगों का प्लेटफॉर्म होगा सर, कारवा जुड़ता जाएगा। अब जब तक सामने वाले के बारे में, दोस्तों ये शब्द नहीं है, आप इसको अपनी जीवन की दिनचर्या बना लो। आज ये आया ना ये चैनल, इनको क्या मतलब है, ये अपने चैनल में दर्शकों को कुछ ना कुछ मिलवाने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया देने, यानी आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे के लिए सोच रहे हो जी। अब जब आप दूसरे के लिए सोचोगे तो ऑटोमेटिक प्यार क्या होता है सर, प्यार में यही तो होते, आज की युवा पीढ़ी है जो मुझे देख रहे हैं, आप प्यार में क्या करते हो, मेरी तो 41 एज है, प्यार में क्या करते हो, सामने वाले के बारे में सोचते हो फिर वो आपके बारे में सोचता है, वैसा ही बिजनेस में आप जैसे गाना गाते हो, दिल है कि मानता नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाते होंगे, मैं वैसे नहीं गाता हूं, मैं इसे कन्वर्ट करता हूं अपने व्यापारियों के लिए, मैं उसे बोलता हूं कि आप ये नया माल आया है मैं वीडियो पे लेके आया हूं, क्योंकि मेरा दिल मान नहीं रहा, जब तक मैं आपको ये चीजें नहीं दिखाऊं तो मेरा भी दिल नहीं मानता, मैं कन्वर्ट कर देता हूं। जब तक आप सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है भैया, 125,000 करोड़ है, एक प्रण ले लीजिए कि मुझे आप कोई भी फील्ड में उतारिए सर, आप जिस फील्ड में भी आपके दर्शक हैं वो सोचेंगे, एक बार ये सोचेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, पिछले 3 साल से कर रहा हूं लेकिन है जहीं पर ही हूं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जी। आप अपनी अंतरात्मा में जाके देखना, पिछले साल भी 50,000 का एवरेज आया था साल भर का, इस साल भी 50,000 का एवरेज आया, उससे पिछले साल भी, उसके बाद तीसरे साल 45 का आया, ये क्यों बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आप एक ही धड़े पे चल रहे हो भैया, जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया तो नोकिया वाली पोजीशन होती है। जब तक आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं करोगे, लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, सोचते रहो ना, करते रहो लोगों के लिए, जिस दिन आपने करना चालू किया आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी, ऑटोमेटिक। अजीत जोन बना इसी वजह से बना है, मैंने कोई अलग, हमारे मारवाड़ी बोलते हैं कोई तीतर मोर मार दिए, ना ना ना, मैंने कोई तीर के बाण नहीं छोड़े, बस मेरा एक नेचर रहा है कि मैं लोगों के बारे में काम करता रहता हूं, नई चीजें देता रहता हूं, नई बातें बताता रहता हूं, जिससे वो अपने बिजनेस में खड़ा करे। और भाई साहब मारवाड़ी में एक बात बोली जाती है, कोटे में होगा तो केले में आएगा, समझ गए आप, जब आप अपने व्यापारियों को आगे बढ़ाने का बोलते हो तो पहले आगे कौन बढ़ेगा, बिल्कुल हम ही बढ़ेंगे ना, जब हम हमारे व्यापारियों को बढ़ा रहे हैं उनका कपड़ा बिकेगा तो हमारा ऑटोमेटिक बिकेगा। इसी टाइप से बिजनेस होता है, चाहे आप जूतियों की दुकान कर रखे हो, चाहे मिठाई की दुकान कर रखे हो, चाहे कोई हॉस्पिटल के फील्ड में हो, हिंदुस्तान के कोई से भी फील्ड में हो, ये कोई साड़ियों के लिए वीडियो नहीं है, आप कोई से भी फील्ड में हो आज से ही प्रण कीजिए। और जितने युवा हैं जो 9-9 बजे उठ रहे हैं, 8-8 बजे उठ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा, आप सबको धोखा दे सकते हो, अपने माँ बाप को मत दीजिए, अपने आप को मत दीजिए, आप आज से ही प्रण कीजिए, मैं जिस फील्ड में हूं, मैं 19 साल का हो गया, मेरे पिताजी से पैसे नहीं लूंगा सर जी। मैंने मेरे पिताजी से 6ठी में फेल होने के बाद, 6th कक्षा में फेल होने के बाद आज तक 10 रुपए नहीं मांगे, ये मैं प्रण लेके चलता हूं, क्योंकि हमें हमारे प्रेरणा पिताजी देने वाले थे और आज ही वो प्रेरणा लेके चल रहे हैं और लोगों को एडवाइज कर रहे हैं। और ये जितनी भी बातें आज मैंने बताई है ना, मुझे कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आज तक मैंने नहीं बताई है, लेकिन दोस्तों आप जिस फील्ड में भी हो आज से इस टाइप से एक बार सोचना स्टार्ट कीजिए, जिस दिन आपने सोचना उसका रिजल्ट देखिए, आपके आपके बारे में लोग अलग टाइप से सोचने लग जाएंगे, आपके मोहल्ले में 500 दुकानें होगी मिश्रा जी, लेकिन आपके बारे में लोग अलग सोचना लग जाएंगे। थोड़ा इमोशनल टचमेंट दीजिए किसी के बारे में सोचने का, थोड़ा सा इमोशनल, और वो अपने ग्राहक है यार, जो दिन रात हम उनसे कमाते हैं, सोचने में क्या जा रहा है,
एक माता पिता भी अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चा माता पिता के बारे में। ऐसा ही बिजनेस है, इसको ज्यादा लंबी चौड़ी गहराई में सोचने का नहीं, मैं प्रोफेशनल बनूंगा और वैसा करूंगा, वो कुछ नहीं है। आप देसी अंदाज से इसी टाइप से बिजनेस कीजिए, सक्सेस होने की गारंटी अजीत भाई देता है। तो अजीत जी ये बताइए कि अजीत जोन में किस किस टाइप के कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास? बहुत अच्छी बात बताई, जितने भी दर्शक हैं, हम साड़ियां बेचते हैं, सूट बेचते हैं, कुर्तियां बेचते हैं, लेगिंग्स जेगिंग्स बेचते हैं, आपको शरारे गरारे लहंगे वो हर कॉन्सेप्ट। और मेरे यहाँ पर मिश्रा जी आप देखोगे भीड़ लगी रहती है, एनी टाइम भीड़ लग रही, पर डे 125 ग्राहक की एंट्री है, और कम से कम 125 ग्राहक की ऑनलाइन बिलिंग है। उसका एक ही कारण है कि लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लोगों को ट्रेंड दे रहे हैं, रेट वाइज चीजें दे रहे हैं। और देखो सर, आज ये सब चीजें करने के बाद गुजरात में हमें आइकॉन का अवार्ड मिला है मुख्यमंत्री के द्वारा। मैं आपको क्लिपिंग भी दे दूंगा, आपके दर्शकों को दिखे, भूपेंद्र जी पटेल ने हमें एक्सेलेंस अवार्ड दिया है सर जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, अजीत जोन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम उसी प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर एक दूध बेचने वाला आदमी इस टाइप का प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है, मैं तो मेरे जीवन से दूध से आगे सोचा ही नहीं था, मैंने मेरे जीवन में दूध ही बेचा, शुरुआती मैंने दूध ही बेचा, और मेरे जैसे लाखों लोगों की स्टोरियां हो गई ऐसी। अगर मैं ब्रांड बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हो, असंभव कुछ भी नहीं है, बस सोचना है, आज से चालू करो और इसका देखो रिजल्ट देखो। अभी तक आपने मम्मी पापा के बारे में सोचा, एक फ्रेंड है उसके बारे में सोचा, एक गर्लफ्रेंड है उसके बारे में सोचा, इसके सिवा आगे हमने किसी के बारे में सोचा ही नहीं, आज से। और जो बड़े आदमी है वो अपनी वाइफ के बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा, इसके अलावा हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं। एक बार जिससे हम दिन रात दाल रोटी हमारी चलती है, हमारा घर चलता है, उसके बारे में सोचना चालू करो, 6 महीने 6 मंथ, उसके बाद मत सोचना, मेरे वीडियो को क्लोज मार देना, 6 महीना सोचो आपकी धंधे की, आपकी बातचीत की, आपकी लेजे की, आपकी इमेज की, हर चीज का रात दिन का चेंजिंग हो जाएगा, सोचना पड़ेगा। सर मैं एक चीज मानता हूं, प्रोडक्ट मेरे पास वुमेन्स के 12 आइटम है, और देसी भाषा में बताऊं तो एक बच्चा जन्म लेता है ना, एक लड़की, आम लड़की जब जन्म लेती है, पैदा होती है, तब से लेके वो 80 साल तक में क्या क्या चीजें पहनती है, वो नाइटी पहनती है, वो अंडरगारमेंट पहनती है, वो बच्चों के कपड़े पहनती है, शरारे गरारे पहनती है, साड़ी पहनती है, वो सारी चीजें हैं। तो वुमेन के लिए स्पेशल क्या है आपके पास? सर वुमेन्स के लिए स्पेशल तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज बताऊं कि मैं, ये महिला दिवस का पखवाड़ा चल रहा है जी, क्योंकि वुमेन्स डे आ रहा है। अजीत जोन चैनल को लॉन्चिंग भी मैंने वुमेन्स डे के दिन ही किया था। मैं आया था तो मैंने देखा कि आप सभी महिलाओं को जो आपके यहाँ आ रही थी, हाँ, उनको आप अपने हाथ से चाय पिला रहे थे। आज मैंने बनाई, मेरे जितनी भी महिलाएं हैं, ग्राहक आए हुए, मैंने पहली बार मेरे हाथ से बनाई, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज मानता हूँ, महिलाएं का रेस्पेक्ट करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार, जैसे वो बोलते थे ना ये देश की आजादी जन्म सिद्ध अधिकार, वैसे महिलाओं का सम्मान करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप जितनी महिलाओं का सम्मान करोगे, उन्हें रेस्पेक्ट करोगे, और जितनी भी महिलाएं भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये वुमेन्स का बिजनेस है, आप खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। बस आपने अपनी जीवन क्या है कि बच्चों में, माता पिता की सेवा में, पति की सेवा में, और उसी में अपने जीवन को पूरा ढाल लिया है। कभी आपने अंतरात्मा से यह नहीं सोचता कि मैं क्या चाहती हूँ, जिस दिन वो महिला ये सोच लेगी मैं क्या चाहती हूँ, और जितने भी लोग पुरुष देख रहे हैं मुझे, आप भी अपनी माँ का प्रेम, माँ के पास बैठिए और कभी उसे पूछिए तू क्या चाहती है माँ, अपनी बहन के पास बोलो उसे पूछो तू क्या चाहती है, अपनी वाइफ के पास बैठो, अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठो उसे पूछो तू क्या चाहती है, क्योंकि महिला से ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है, वो बड़ी इमोशनल है। जिस दिन आपने पूछा वो अपने मन की बात बताएगी ना, आप खुद इमोशनल हो जाओगे। तो महिलाएं, मैं मानता हूं सर, अगर हमारी इकोनॉमी, अजीत जोन छोड़ दीजिए सर, देश की इकोनॉमी जब ऊपर लेवल पे जाएगी, जब महिलाएं बाजू से बाजू कंधा मिला के चलेगी इस देश में, जब तक महिलाएं फील्ड से फील्ड, कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेगी, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये मानता हूं जी, जी। और वुमेन्स डे में स्पेशल मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं, तो आज हमने चाय बनाई थी, क्योंकि महिलाएं तो रोज चाय बनाती है, आज मैंने भी ऐसा किया तो मुझे खूब अच्छा लग रहा है सर। और यहाँ से गुजरात से ही चाय बनाकर प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं जी, सही बात बोली आपने भी मिश्रा जी, सही बात पकड़ी है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, आपके चैनल पे हम पहली बार आए हैं। आपके दर्शकों को बता दूं, मिश्रा जी ने कुछ हमारी कंपनी के वीडियो शूट भी किए हैं, जरूर देखिएगा इस चैनल पे हमारे वीडियो, हमारी कंपनी के बारे में समझिएगा। और दोस्तों, अजीत जोन ऐसी कंपनी है जहां पर लुकिंग टचिंग फ्री है, रोज के 20 कस्टमर ऐसे आते हैं जो अजीत भाई से मिलने आते हैं, बिजनेस को समझने आते हैं, हम समझाते हैं, गाइड करते हैं, करना नहीं करना आगे का ऑप्शन है, लेकिन जरूर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा अजीत जोन में। और पूरा हमारा समझने के लिए हमारा चैनल भी अजीत जोन, फेसबुक पे लाइव भी आते हैं, वहां पर भी हमें सर्च मार के समझ सकते हैं। मिश्रा जी आपके
गली मोहल्ले वाले दर्शकों से पहली बार मिल रहा हूं, तो आप सबका धन्यवाद दोस्तों। लेकिन जीवन में एक प्रण कीजिए, सोचना है। बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सोच ली, अब पॉजिटिव सोच, एक बार जुड़िए।